बच चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बीच रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज, चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चर्चा। चौराही नगर पंचायत के पूर्व नगर अध्यक्ष त्रिभुवन प्रसाद जायसवाल ने 26 जनवरी को आत्मदाह करने की थी चेतावनी। कमकोही रोड चौराही नगर पंचायत के सपा नेता पूर्व नगर अध्यक्ष त्रिभुवन प्रसाद जायसवाल ने उच्च अधिकारियों को पत्रक भेजकर चेतावनी दी है। त्रिभुवन प्रसाद जायसवाल ने कहा है कि अगर 25 जनवरी तक अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया तो आगामी 26 जनवरी को शहीद स्मारक स्थल के परिसर में आत्मदाह करूंगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। आपने क्यों चेतावनी दिया है? नगर पंचायत चौराही में शहीद स्मारक स्थल है, जो आज़ादी के 11 रणबांकुरों ने अपनी जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर आज़ादी दिलाया, उनका शहीद स्मारक स्थल नगर पंचायत चौराही में स्थित है। वो शहीद स्मारक स्थल का जीर्णोद्धार, उसका उद्धार जो है शासन के आदेश पर सरकारी धन से वह बना हुआ है। वहाँ दो कक्ष बरामदा स्तंभ, जिस बाउंड्री दीवार, शौचालय माली का यंत्र रखने का कक्ष, इसको बनवा कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने PWD विभाग कार्यदायी संस्था ने बनवा कर नगर पंचायत चौराही को 1/8/2001 को हैंडओवर किया। उस समय मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष था, उसके बाद नगर पंचायत का कब्जा चला रहा था। वर्ष 2012 में 11,07,000 रुपये से वहाँ इंटरलॉकिंग कार्य हुआ है कैंपस के अंदर। इसके बाद जो है एक गेस्ट हाउस लाइब्रेरी कक्ष बना हुआ है 28,87,311 रुपये से, जो है नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन और विधायक की मिली भगत से वह कब्जा हो गया है, जिसका लोकार्पण स्वयं क्षेत्रीय विधायक जी ने किया और उसके बाद से उनका कब्जा चला रहा है, जिसकी जाँच मैंने शासन प्रशासन को लिखित दिया। उसके बाद उसकी जाँच हुई 27 फरवरी 2018 को, उसकी जाँच हुई। जांच में मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी न्यायी ने जांच किया। जांच में आरोप सिद्ध है कि अजय कुमार लल्लू का कब्जा पाया गया और उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, नगर पंचायत प्रशासन जांच के नाम पर सरकारी संपत्ति का जो है दुरुपयोग करा रहा है, संरक्षण दे रहे हैं और लिपापोति कर रहे हैं। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और आज़ादी के दीवानों की सरकारी संपत्ति और किसी पार्टी के नेता, कांग्रेस के प्रदेश और क्षेत्रीय विधायक के कब्जे में है, अब तक प्रशासन कब्जे को, अवैध कब्जे को नहीं हटवा पा रहा है। इसलिए मुझे बाध्य होकर नगर हित में, जनता के हित में, सरकारी संपत्ति की रक्षा के हित में मुझे विवश मजबूर होना पड़ रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जो सरकार का वेतन पा रहे हैं, सरकार की संपत्ति की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे विवश होकर 25 जनवरी 2022 तक अगर सरकारी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हटवाया प्रशासन ने, तो मुझे 26 जनवरी 2022 को 1 बजे दिन में उसी स्थान पर पहुंचकर शहीदों के सम्मान में सरकारी संपत्ति के रक्षा हेतु और प्रशासनिक अधिकारियों के लापरवाही के वजह से मुझे विवश मजबूर होकर आत्मदाह करना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, नगर पंचायत प्रशासन और नगर पंचायत के चेयरमैन श्याम सुंदर विश्वकर्मा और कांग्रेस के प्रदेश क्षेत्रीय विधायक अजय कुमार लल्लू की होगी, यही हमारी मांग है। मैंने इसकी लिखित सूचना पूरे शासन प्रशासन को मैंने 29 दिसंबर 2021 को लिख